Hello, 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 hello everybody. A very, very, very super good evening and welcome to the today's class. All right everybody, आज की क्लास में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है. I welcome you all in the today's lecture. All right, okay everybody, आ जाएंगे आज की क्लास में. Welcome, welcome, welcome. All right. Let me quickly check if we are perfectly online. Yes, we are perfectly online. All right. A very, very, very superb good evening. Good evening. Good, 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 good evening. आ जाइए. All right, madam. आज की क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं बेटा जी? आज की क्लास में आपका चैप्टर नंबर 6 जो कि है चार्ज पे, उसे हम आज की क्लास में कवर करेंगे. केम छो मैडम, मजा आ बेटा. केम छो, आपके लिए भी केम छो बेटा. हाँ मजा आ. चलिए. ऑल राइट वेदांत मैम, व्हेन विल यू स्टार्ट द ऑडिट रिविजन्स? वेदांत, ऑडिट के हर चैप्टर का रिविजन ऑलरेडी अपलोडेड है माय डियर बेटा जी. आपके लिए ऑडिट के रिविजन ऑलरेडी अपलोडेड हैं. ऑडिट के लिए मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूं कि ऑडिट के रिविजन्स हर एक चैप्टर के सारे मैंने एक मैराथन रूप में अपलोड किए थे, तो आपके लिए वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, वो आप देख सकते हैं बेटा. गुड्डू गुड्डू बोल रहे हैं, मैडम आप केटीएम में कहाँ रहते हो? मैं भी केटीएम में रहता हूँ बेटा. ऐसे थोड़ी बता दूंगी, ऑनलाइन बताऊंगी क्या? क्या बात कर रहा है गुड्डू. अच्छा चलिए, आ जाइए जी, आ जाइए. चैप्टर 7 क्या बढ़िया से रिवाइज करवाया आपने, थैंक यू बेटा. प्रियांशु, कुछ एकाध सेक्शंस जो मेरी तरफ से छूट गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी छोड़ देंगे, उसको आपको तो करना है. ठीक है, चैप्टर 7 के कुछ, क्योंकि बहुत सारा है, चैप्टर 7 में बहुत सारी चीजें हैं, तो आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 90-95% ऑफ द सेक्शंस, बट जो 5% बाकी है वो आप रिवाइज करेंगे. ठीक है, ओके चलिएगा, स्टार्ट करेंगे. क्या सारे बच्चे आ गए हैं? चलिए जी, आ जाओ जी, स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वीरा, थैंक यू विराज, थैंक यू वीरा, थैंक यू, थैंक यू. आइएगा, चलिए आ जाए. चलिए स्टार्ट करें रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज. आर यू गाइज रेडी? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट द सेशन रोलिंग एंड लेट्स गेट द सेशन स्टार्टेड. ये ओके, थैंक यू निकिता, थैंक यू बेटा. चलिए ओके बेटा, चलो चलिए समय को ना व्यर्थ करते हुए आगे बढ़ेंगे. सबसे पहले चार्ज क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है चार्ज के ऊपर. तो व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है सारे बच्चे सुनेंगे. चार्ज क्या होता है? चार्ज मतलब इंटरेस्ट क्रिएट करना, लीन क्रिएट करना अपने प्रॉपर्टी पर. कंपनी जब अपनी किसी प्रॉपर्टी पर, अपने किसी एसेट पर किसी और का इंटरेस्ट क्रिएट करती है, या अपने किसी अंडरटेकिंग पर, कंपनी जब अपने किसी प्रॉपर्टी पर, अपने किसी एसेट पे, अपने किसी भी अंडरटेकिंग मतलब ब्रांच पे किसी और का इंटरेस्ट क्रिएट करती है. क्यों इंटरेस्ट क्रिएट करती है कंपनी? क्योंकि आपने जो लोन लिया है उस लोन रीपेमेंट के लिए आप अपनी प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी सामने वाले के पास क्या कर रहे हो? रख रहे हो, सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हो. तो इसे कहते हैं बेटा जी चार्ज. सारे बच्चे बताएंगे चार्ज क्या है. चार्ज मतलब एक इंटरेस्ट है, लीन है, जो आप अपने प्रॉपर्टी अपने एसेट पर कंपनी क्रिएट करती है. क्यों? एज अ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के रूप में फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन. ताकि मतलब ये एक आश्वासन है कि आप लोन दोगे, अगर आप लोन का रीपेमेंट नहीं करोगे तो सामने वाला आपके इस पर्टिकुलर एसेट को, प्रॉपर्टी को ले जाएगा. चलिए ऑलराइट, तो ये हो गया चार्ज. वेरी गुड बेटा, सबसे पहला सेक्शन इस चैप्टर के अंदर है सेक्शन 80. सेक्शन 80 क्या कहता है? एक बार जब आप चार्ज को रजिस्टर कर देते हो ना आरओसी के पास, एक बार जब कंपनी चार्ज को, जिस भी प्रॉपर्टी पे आपने चार्ज क्रिएट किया है, आप उसे एक बार जब रजिस्टर कर देते हो ना आरओसी के पास, तो ये क्या हो जाता है? तो ये क्या हो जाता है? ये एक तरीके से इट्स अ डीम्ड नोटिस टू द पब्लिक. एक तरीके से ये क्या है? डीम्ड नोटिस है. किसको? पब्लिक को. क्योंकि आप जब अपने चार्ज को रजिस्टर कर देते हो आरओसी के पास, तो कोई भी आदमी मिनिमलिस्टिक फीस देके एमसीए के वेबसाइट पर जाकर,
जो आरओसी रजिस्टर मेंटेन करता है चार्ज का, उस पर जाकर डिटेल्स चेक कर सकता है हर कंपनी की कि कौन सी कंपनी ने अपने किस एसेट पर चार्ज क्रिएट किया हुआ है। तो एक बार अगर कंपनी ने चार्ज को रजिस्टर कर दिया विद आरओसी, इसका मतलब क्या है, ये एक नोटिस है पब्लिक को, कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आगे कंपनी को लोन देगा उसको इस चार्ज के बारे में पता है, ऐसा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी एनसीए के वेबसाइट पर जाकर डिटेल्स देख सकता है किसी भी कंपनी की, कि कौन से कंपनी ने अपने किस एसेट पे चार्ज को क्रिएट किया है। तो ये सेक्शन 80 कह रहा है ऑल चार्जेस रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार, जो भी चार्ज आप रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करते हो वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी मिनिमलिस्टिक फीस देकर इस डॉक्यूमेंट को, इन चार्जेस को देख सकता है। सो इट एक्ट्स एज अ constructive notice, मतलब it's a deemed knowledge, deeming provision contains a legal fiction, consequently if ignored loss cannot claim, ठीक है। बाद में कल चलकर अगर बैंक बोल देता है अरे हमें तो पता ही नहीं था इस एसेट पे चार्ज क्रिएटेड है, अरे हमें तो पता ही नहीं था इस एसेट पे ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है, तो बैंक को कोई भी क्लेम्स नहीं मिलेंगे, बैंक सामने वाली कंपनी को सू नहीं कर सकता किसी भी क्लेम के लिए। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी ने अपने चार्ज को रिलेटेड डिटेल्स को रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कर दिया है तो ऐसे केस में इट्स अ डीम्ड नोटिस टू द पब्लिक, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जैसे एमओए एओए एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, जो भी कंपनी के साथ डील करता है उसे एमओए एओए के बारे में पता होना चाहिए। सेम गोज फॉर चार्ज, अगर एक बार कंपनी ने चार्ज को रजिस्टर कर दिया आरओसी के पास तो इट्स अ डीम्ड नॉलेज, इट्स अ डीम्ड नोटिस टू द पब्लिक, इट्स पीपल मस्ट हैव नॉलेज अबाउट इट, ठीक है। कोई भी जब कंपनी को आगे लेंड करेगा मनी तो वेरीफाई करेगा कि क्या एसेट या प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएटेड है कि नहीं, तो कोई भी एमसीए के पोर्टल पर जाकर रजिस्टर ऑफ चार्ज को देख सकता है और इंस्पेक्ट कर सकता है कि कंपनी के किस प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएटेड है। तो ये हो गया बेटा, ये हो गया आपका सेक्शन 80। मतलब बेसिकली मैडम सेक्शन 80 क्या बोलता है, बेसिकली बेटा जी सेक्शन 80 बहुत ही छोटी सी बात कह रहा है कि चार्ज अगर रजिस्टर हो गया ना, एक बार आरओसी के पास अगर चार्ज रजिस्टर हो गया ना तो इट्स अ डीम्ड नोटिस टू द पब्लिक, तो पब्लिक को ये डीम्ड नोटिस है ऐसा माना जाता है। बस इतनी सी बात है सेक्शन 80 जो कहता है। उसके बाद दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक होता है फिक्स्ड चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज मतलब जब आप अपने किसी स्पेसिफिक एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करते हो, फिक्स्ड चार्ज मतलब चार्ज जो आप अपने किसी स्पेसिफिक एसेट पर क्रिएट करते हो, जैसे आप अपने किसी बिल्डिंग पर, कोई इंस्टॉल्ड मशीनरी पर, कोई ऑफिस प्रीमिसेस पर अगर चार्ज क्रिएट करते हो, मतलब आप अपने किसी स्पेसिफिक एसेट पर चार्ज क्रिएट करते हो तो उसे कहते हैं फिक्स्ड चार्ज। इसका नेचर किस तरीके का होता है, फिक्स्ड तरीके का ही होता है, ठीक है। अब आपने अगर अपनी बिल्डिंग के ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया तो आप बिल्डिंग को यूज जरूर कर सकते हो पर आप उसे बेच नहीं सकते। अगर आपको बेचना है तो पहले आपको सामने वाले चार्ज होल्डर से, मतलब बैंक से पूछना पड़ेगा। अगर आपने बैंक से लोन लिया है और अपने किसी एसेट पर चार्ज क्रिएट किया है, फिक्स्ड चार्ज, बिल्डिंग पे फिक्स्ड चार्ज क्रिएट किया है, तो आप उस बिल्डिंग को यूज तो कर सकते हो पर बेच नहीं सकते। अगर बेचना है तो पहले बैंक से पूछना पड़ेगा। वैसे ही फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, फ्लोटिंग चार्ज मतलब चार्ज इज क्रिएटेड ऑन एसेट्स विच आर ऑफ चेंजिंग नेचर। फ्लोटिंग चार्ज मतलब आप किन एसेट्स पे चार्ज क्रिएट कर रहे हो जो कि चेंजिंग नेचर के हैं। तो इसका नेचर क्या है, फ्लक्चुएटिंग। जैसे आप अपने करंट एसेट्स के ऊपर जो कि चेंजिंग नेचर के हैं, जैसे रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, ये सब चेंजिंग नेचर के हैं क्या, फ्लक्चुएटिंग नेचर के हैं क्या, हाँ। जब आप अपने इन करंट एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करते हो तो इन्हें कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज। कंपनी इन एसेट्स को यूज भी कर सकती है और इन्हें सेल भी कर सकती है। यू कैन यूज एंड डील विद द एसेट अंटिल द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द एसेट। जब तक कि चार्ज आपका क्रिस्टलाइज नहीं हो जाता तब तक कि आप क्या कर सकते हो, तब तक कि आप की कंपनी जो है एसेट्स को यूज भी कर सकती है और सेल भी कर सकती है। क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर बात करनी है क्या, वैसे तो यहाँ नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है बट अगर किसी को क्रिस्टलाइजेशन समझता नहीं है तो मैं क्विकली समझा दूं क्या, छोटा सा पॉइंट है बट आई डोंट नो, मैंने नोट्स में अभी डाला नहीं है क्योंकि ये फास्ट ट्रैक रिविजन है सोच के, और अगर किसी बच्चे को चाहिए तो मैं यहाँ क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर बात कर सकती हूँ। चाहिए क्या, क्या आप लोग पढ़ लोगे बता दो, चाहिए तो मैं अभी रिवाइज करवा देती हूँ। चलो पढ़ लो, कोई बात नहीं, चलो चलिए। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है, कहता है
फ्लोटिंग चार्ज मतलब चार्ज जो आप अपने करंट एसेट्स पे क्रिएट करते हो, जो कि फ्लक्चुएटिंग नेचर के हैं, जैसे रॉ मटेरियल। अब आप इनको यूज भी कर सकते हो, रॉ मटेरियल को, स्टॉक इन ट्रेड, इन सबको यूज किया जा सकता है, इनको सेल भी किया जा सकता है अंटिल क्रिस्टलाइजेशन हो जाए। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है? तो बेटा जी तीन सर्कमस्टेंसेस होते हैं व्हेन फ्लोटिंग चार्ज, थ्री सर्कमस्टेंसेस होते हैं व्हेन फ्लोटिंग चार्ज गेट्स फिक्स्ड। मुझे एक बात बताओ, इस फ्लोटिंग चार्ज जब फिक्स हो जाए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब, मुझे एक बात बताओ, जब आप पानी है, ये पानी है, इस पानी को अगर मैं फ्रिज में रख दूं तो जम जाएगा क्या? हाँ, तो क्रिस्टल बन जाएगा क्या ये? तो ये अभी क्या है? फ्लोटिंग है। ये क्या है अभी? ये अभी फ्लोटिंग नेचर का है। ये क्रिस्टल कब हो जाएगा? फिक्स्ड कब हो जाएगा? जब ये क्रिस्टल हो जाए। तो सेम चीज है ना, फ्लोटिंग चार्ज, फ्लोटिंग मतलब जो फ्लोटिंग फ्लक्चुएटिंग नेचर का है, इसे अगर फिक्स करना है, पानी गिर गया, इसे जब फिक्स करना है, मतलब इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। समझा? मतलब फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स्ड चार्ज में कन्वर्ट कब हो जाएगा, किन सर्कमस्टेंसेस में फ्लोटिंग चार्ज फिक्स्ड चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, तीन सर्कमस्टेंसेस में। क्या है तीन सर्कमस्टेंसेस? On the happening of an event mentioned in the contract। अगर आपके और बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में कोई इवेंट लिखा हुआ था कि अगर ऐसा कर दोगे तो हम क्या कर देंगे, ये फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स्ड में कन्वर्ट कर देंगे। लेट्स से बैंक और कंपनी के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ था कि अगर ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स्ड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसे केस में ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशनड है, अगर ऐसा कोई इवेंट हो जाए तो फ्लोटिंग चार्ज फिक्स्ड चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर व्हेन कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, जब कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए तो लिक्विडेटर आएगा क्या? जब कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है तो लिक्विडेटर आएगा और लिक्विडेटर बोलेगा कि इस एसेट को बेच के इसको चुकाया जाए, इस एसेट को बेच के इसको चुका जाए, तो फिर फ्लोटिंग चार्ज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिक्स्ड चार्ज में, जब कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है। या फिर व्हेन कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन द बिजनेस, जब कंपनी धंधा करना ही बंद कर रही है, सीजेस टू कैरी ऑन बिजनेस, अगर कंपनी धंधा करना ही बंद कर रही है तो क्रेडिटर लोग की लाइन लग जाएगी क्या? क्रेडिटर लोग बोलेंगे अरे मुझे ये बेच के मुझे दे, ये वाली चीज बेच के मेरे को पैसा दे। ये क्रेडिटर बोलेगा ये सिलेक्ट करेगा, क्रेडिटर बोलेगा ये बेच के मेरे को दे दे। तो कहता है जब कंपनी या तो बंद हो रही है तो फ्लोटिंग चार्ज फिक्स्ड चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, जब कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है या ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट व्हिच इज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। समझ में आ गया? हां जी मैडम, समझ में आ गया क्रिस्टलाइजेशन कब होता है। वेरी वेरी गुड। चलिए अब तीन सर्कमस्टेंसेस में होता है, आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रजिस्टर द चार्ज, अब चार्ज को रजिस्टर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले सेक्शन 77 की बात सुनो बेटा। सेक्शन 77 कहता है कंपनी ने चार्ज को कितने टाइम में रजिस्टर करना है, चार्ज क्रिएट करने के कितने दिनों में आपको आरओसी के पास इस चार्ज को रजिस्टर करना है। सेक्शन 77 कहता है, मैं बताता हूं आपको चार्ज क्रिएट करने के कितने दिन में इस चार्ज को रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर करना है, वो है सेक्शन 77। कहता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ चार्ज, आप चार्ज किस पे क्रिएट कर सकते हो, टेंजिबल एसेट पे भी चार्ज क्रिएट कर सकते हो, कंपनी अपने इनटेंजिबल एसेट पे भी चार्ज क्रिएट कर सकती है, हो सकता है वो एसेट विद इन इंडिया हो, हो सकता है आउटसाइड इंडिया हो। तो कहता है कंपनी अपने किसी भी एसेट, किसी भी प्रॉपर्टी पे, चाहे टेंजिबल चाहे इनटेंजिबल, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, उस पर क्या कर सकती है, चार्ज क्रिएट कर सकती है। अब बात आएगी चार्ज को रजिस्टर करने की, जो कि बात करता है सेक्शन 77। क्या बोलता है 77? कहता है चार्ज क्रिएट करने के आपको 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा। क्या फाइल करना पड़ेगा सारे बच्चे? कहता है चार्ज क्रिएट करने के 30 डेज में आपको आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा चार्ज के डिटेल्स। क्या
चार्ज को रजिस्टर करना पड़ेगा 30 डेज में आरओसी के पास। कहता है आप क्या फॉर्म फाइल करोगे, CHG1 या CHG9? CHG9 डिबेंचर के लिए होता है एंड CHG1 फॉर अदर देन डिबेंचर्स के लिए। अदर देन डिबेंचर्स के लिए फॉर्म फाइल करोगे CHG1, डिबेंचर्स के लिए आप फॉर्म फाइल करोगे CHG9। कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग अ चार्ज, आपके और बैंक के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें आपने अपनी किसी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया है, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपने बैंक से पैसे लिए हैं और अपने किसी एसेट पर चार्ज क्रिएट किया है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ है इसका कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी आप आरओसी के पास क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। सर्टिफिकेशन ऑफ वेरिफिकेशन साइंड बाय डायरेक्टर CS चार्ज होल्डर कंपनी सील वेरीफाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट ऑन चार्ज। तो ये जो बेटा इंस्ट्रूमेंट है, ये इसका जो सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन ऑफ वेरिफिकेशन, कि इट हैज टू बी वेरीफाइड बाय इधर द डायरेक्टर और इधर द CS और इधर द चार्ज होल्डर, या फिर अगर एसेट आउटसाइड इंडिया है तो आप कंपनी का सील भी लगा सकते हैं और आप प्रिस्क्राइब फीस देंगे किसको, आरओसी को। तो आरओसी के पास क्या क्या फॉर्म फाइल किया जाएगा, CHG1 फॉर अदर देन डिबेंचर्स, CHG9 फॉर डिबेंचर्स, कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज जिसपे पूरा वेरिफिकेशन होना चाहिए, और फीस आप सबमिट करोगे आरओसी के पास, और आरओसी आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। सर्टिफिकेट कौन सा होता है बेटा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, CHG2 के अंदर। रजिस्ट्रार आपको CHG2 के अंदर सर्टिफिकेट इशू करेगा फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज CHG2 में। ये जो सर्टिफिकेट है ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि कंपनी ने अपने चार्ज को, जो भी चार्ज क्रिएट किया है उसे रजिस्टर कर दिया है आरओसी के पास। ठीक है, ओके, हां जी, आएंगे सारे बच्चे, मैम समझ गए। तो आपने सेक्शन 77 में पढ़ा चार्ज क्रिएट करने के 30 डेज में आरओसी के पास चार्ज को रजिस्टर करना पड़ता है और आरओसी फिर आपको सर्टिफिकेट इशू करता है CHG2 के अंदर। वेरी वेरी गुड। उसके बाद की बात, चार्ज क्रिएटेड 2/11/2018, चार्ज क्रिएटेड आफ्टर 2/11/2018। आपको पता है 2/11/2018 कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 अमेंडमेंट लाया। इस अमेंडमेंट से क्या आया, ये अमेंडमेंट कब आया, ये अमेंडमेंट आया 2/11/2018 से, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट जो लागू हुआ 2/11/2018 से, 2/11/2018 से। तो क्या अमेंडमेंट आया बेटा, अमेंडमेंट ये आया कि 2/11/2018 से पहले क्या होता था, 2/11/2018 से ऐसे पहले ऐसा होता था कि अगर आपने चार्ज क्रिएट किया है अपने किसी एसेट पर, तो आपको 30 डेज के अंदर अंदर क्या करना है, सारे डिटेल्स आरओसी के पास फाइल कर देने हैं। अगर आप 30 डेज में फाइल नहीं करते हो CHG1 या 9, तो आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते थे, और आरओसी आपको एक्सटेंशन पीरियड कितने का देता है, 300 डेज का फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन द पेमेंट ऑफ एडिशनल। चलो अपने काम करते हैं, यहाँ पे इसका ना इसे चार्ट बना देते हैं, मैं हमेशा चार्ट बनाती हूँ, सारे बच्चे ध्यान देंगे, चार्ट के रूप में पढ़ते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली लिखते हैं। आपको पता है 2/11/2018 को क्या आया, 2/11/2018 को अमेंडमेंट आया। तो अमेंडमेंट से पहले क्या होता था देखते हैं, चार्ज क्रिएटेड, अगर पहले चार्ज क्रिएटेड बिफोर 2/11/2018, अगर चार्ज 2/11/2018 से पहले क्रिएट हुआ है तो चार्ज को कितने दिन में रजिस्टर करना पड़ता था। तो कहता है चार्ज क्रिएट करने के 30 डेज के अंदर अंदर आपको आरओसी के पास चार्ज को रजिस्टर करना पड़ता था नॉर्मल फीस को फाइल करके। ठीक है, नॉर्मल फीस को फाइल करके। अगर आप इन 30 डेज के अंदर अंदर नहीं कर पाए तो आरओसी आपको एक्सटेंशन देता है, कितने पीरियड का देता था, कितने पीरियड का, 300 डेज फ्रॉम डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, कि तुम 300 दिन के अंदर अंदर क्या कर दो, एडिशनल फीस देकर चार्ज को रजिस्टर कर दो। करेक्ट, एंड अगर आपने 300 डेज में भी नहीं किया तो फिर आप 2/11/2018 के 6 months के अंदर अंदर चार्ज को रजिस्टर कर दो। 6 months के अंदर अंदर चार्ज को क्या कर दे,
रजिस्टर कर दे। ये हुआ चार्ज क्रिएटेड, चार्ज क्रिएटेड बिफोर 2/11/2018। अगर आपने अपने किसी एसेट पे चार्ज क्रिएट किया होता 2/11/2018 से पहले, तो टाइम लिमिट क्या थी? आपको 30 डेज के अंदर अंदर नॉर्मल फीस देके चार्ज को रजिस्टर करना है। अगर आपने 30 डेज में नहीं किया तो फिर आपको 300 डेज के अंदर अंदर एडिशनल फीस पे करके चार्ज को रजिस्टर करना है। अगर आपने उसमें भी नहीं किया तो 2/11/2018 के 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप क्या कर दें, चार्ज को आरओसी के पास जाकर रजिस्टर कर दें। अब अमेंडमेंट के बाद क्या हो गया, आफ्टर 2/11/2018 अब क्या किया है, 2/11/2018 अमेंडमेंट के बाद से क्या हो गया कि जब आपने चार्ज क्रिएट किया है, क्या हो गया ये, ओके, चार्ज क्रिएट करने के 30 डेज में आप क्या कर दो, चार्ज को रजिस्टर कर दो आरओसी के पास नॉर्मल फीस पे करके। लेकिन अगर आप इन 30 दिनों में नहीं करते हो, ये 30 डेज में अगर आप चार्ज को रजिस्टर नहीं करते हो, तो आरओसी आपको और 30 डेज का एक्सटेंशन दे देगा, पर आपको एडिशनल फीस इस केस में देनी पड़ेगी। लेकिन आपने इन 30 डेज में भी नहीं किया, फिर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 30 डेज में भी नहीं किया, तो आरओसी आपको और 60 डेज का एक्सटेंशन दे देगा, पर इस केस में आपको एड वैलोरम फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये हो गया बिफोर एंड आफ्टर 2/11/2018। पहले अमेंडमेंट के पहले क्या था, 30 डेज में कर दो नहीं तो 300 दिन का एक्सटेंशन मिलता था, फिर बोला 2/11/2018 के 6 महीने में कर दो। लेकिन अब 2/11/2018 के बाद टाइमिंग क्या बोली है कि भाई तुम 30 डेज में करो नॉर्मल फीस पे करके, पर अगर तुम 30 डेज में चार्ज को रजिस्टर नहीं करते हो तो और 30 डेज तुमको एक्सटेंशन मिल जाएगा, पर एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। अगर तुम इन 30 डेज फिर और एक्सटेंडेड 30 डेज में भी नहीं करते तो तुम्हें 60 डेज का एक्सटेंशन दिया जाएगा, पर उस केस में तुम्हें एड वैलोरम फीस को पे करना पड़ेगा, बेस्ड ऑन द वैल्यू आपको पे करना पड़ेगा। ओके, चलिए समझ में आ गया क्या बेटा? मैम आप जो YouTube पर लाइव सेशन लेंगे वो YouTube पर होंगे क्या? बेटा YouTube पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लाइव और साथ साथ में उसे YouTube पे लेना थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द फैसिलिटी। अभी तो ये YouTube पे नहीं लिया जाएगा, इट विल जस्ट बी टेकन इन दी सिटी, जिस सिटी में जा रहे हैं बेटा उसी सिटी में लिया जाएगा, है ना। चलिए ओके, चलिए तो चार्ज को रजिस्टर करने के टाइमिंग्स, टाइम लिमिट्स आपने देखे, ये टाइम लिमिट्स आपने देख लिए, ये भी देख लिया चार्ज आफ्टर अगर 2/11/2018 होता है तो क्या होता है। चलिए वेरी गुड, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर। देखो आपको सेक्शन 77 ने क्या बोला था, सेक्शन 77 ने यह बोला था कि भाई चार्ज क्रिएट करने के 30 डेज के अंदर अंदर आप आरओसी के पास इस चार्ज को रजिस्टर कर दो। सेक्शन 77 ने क्या बोला था, नॉर्मल फीस देके आप चार्ज क्रिएट करने के 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी के पास जाकर चार्ज को रजिस्टर कर दे नॉर्मल फीस पे करके। कहता है अगर कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन, चार्ज क्रिएट करने के 30 दिन के अंदर अंदर अगर कंपनी रजिस्टर नहीं करती तो ऐसे केस में जो चार्ज होल्डर है मतलब बैंक जो है वो अप्लाई कर सकता है आरओसी के पास, और वही CHG 19 फीस वगैरह के साथ कौन फाइल कर देगा, चार्ज होल्डर मतलब बैंक क्या कर देगा, चार्ज को रजिस्टर कर देगा किसके पास में, बैंक चार्ज को रजिस्टर कर देगा आरओसी के पास में। अगर कंपनी नहीं कर रही, कंपनी तुमको 30 दिन का समय दिया था तुम नहीं कर रहे, तो अब चार्ज होल्डर को ये राइट मिल जाता है, चार्ज होल्डर भी 30 डेज एक्सपायर होने के बाद खुद जा सकता है और चार्ज को रजिस्टर कर सकता है आरओसी के पास वही CHG 19 फाइल करके। आरओसी क्या करेगा, जैसे ही चार्ज होल्डर बैंक जा रहा है बोल रहा है ये चार्ज को रजिस्टर कर दो, तो आरओसी 14 डेज का शो कॉज नोटिस भेजेगा किसको, कंपनी को, कि भाई चार्ज होल्डर आया है चार्ज को रजिस्टर करने के लिए, तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं चार्ज को रजिस्टर क्यों ना करूं, शो मी द कॉज। तो आरओसी कंपनी को 14 डेज का शो कॉज नोटिस भेजेगा और पूछेगा कंपनी से कि शो मी द कॉज मैं इस चार्ज को रजिस्टर क्यों ना करूं, चार्ज होल्डर आया है तुमने तो नहीं किया रजिस्टर 30 डेज में, चार्ज ऑर्डर आया है सब CHG 19 वगैरह लेके, व्हाटएवर CHG 1 या फिर CHG 9 या जो फीस वगैरह लेकर आया है, कह रहा है चार्ज को रजिस्टर करने के लिए 14 डेज में आप मुझे कॉल बताइए कि मैं इस चार्ज को रजिस्टर ना करूं। तो अगर 14 डेज के अंदर अंदर कोई ऑब्जेक्शन कंपनी नहीं दिखाती तो आरओसी रजिस्टर कर देगा चार्ज को।
और ऐसे केस में चार्ज होल्डर ने जो फीस वगैरह पे की है चार्ज होल्डर कंपनी से रिकवर कर लेगी। क्यों? क्योंकि ड्यूटी किसकी है? चार्ज को रजिस्टर करने की, कंपनी की। पर कंपनी ने नहीं किया इसलिए चार्ज होल्डर को करना पड़ा, तो जो भी फीस वगैरह है वो रिकवर कर लिया जाएगा किससे? कंपनी से। ओके, अगर ऑब्जेक्ट करती है तो कंपनी, ऐसा ऑब्जेक्ट करती है तो फिर आरओसी चार्ज को रजिस्टर नहीं करेगा। हो सकता है कोई सफिशियंट कॉज दिखा दे कंपनी की क्यों रजिस्टर नहीं करना, या कंपनी बोल दे कि हम खुद रजिस्टर करेंगे। व्हाट कैन बी द रीजन, व्हाटएवर ऑब्जेक्शन इज शोन, अगर ऑब्जेक्शन दिखाया जाता है तो आरओसी विल नॉट रजिस्टर द चार्ज। ओके, ठीक है, चलिए, कोई अमेंडमेंट नहीं है ऋत्विक, आ जाओ बेटा। एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज सेक्शन 79 पढ़ते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, कंपनी गई किसके पास? कंपनी गई बैंक के पास। कंपनी गई बैंक के पास, कंपनी ने बोला बैंक को लोन चाहिए, तो बैंक ने कंपनी को क्या दिया? लोन दिया। बदले में कंपनी ने कोई अपने किसी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया, ठीक है। ये इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बैंक और कंपनी के बीच में हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज? मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? मतलब अगर जो टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी और बैंक ने डिसाइड किए हैं, बैंक और कंपनी के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुए हैं, अगर उनमें कोई चेंजेस आते हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी और बैंक, मतलब कंपनी और चार्ज होल्डर के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुए हैं, इन टर्म्स एंड कंडीशंस, ये जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुए हैं, अगर इन टर्म्स एंड कंडीशन में कोई चेंजेस आते हैं तो उसे कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। और आपको फिर से इसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर करना पड़ेगा आरओसी के पास। जैसे आप सेक्शन 77 में चार्ज को रजिस्टर करते हो, वैसे ही आपको सेक्शन 77 के हिसाब से फिर से मॉडिफिकेशन को भी रजिस्टर करना पड़ेगा, वही CHG 1 या फिर CHG 9 फिर से फीस के साथ फाइल करना पड़ेगा। जैसे आप सेक्शन 77 में चार्ज रजिस्टर करते हो, वैसे ही मॉडिफिकेशन को सेम तरीके से सेक्शन 77 के हिसाब से आप मॉडिफिकेशन को भी क्या करोगे? रजिस्टर करोगे। अब मॉडिफिकेशन मतलब चेंज इन दी टर्म्स एंड कंडीशंस बिटवीन कंपनी, कंपनी और चार्ज होल्डर के बीच में अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन का चेंजेस हुआ है उसे कहते हैं मॉडिफिकेशन। और इन मॉडिफिकेशंस को आपको क्या करना पड़ता है? आरओसी के पास फिर से रजिस्टर करना पड़ता है। कुछ मॉडिफिकेशन के यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे मान लो चार्ज कब मॉडिफाई हो जाएगा? जब कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्जिस्टिंग चार्ज थ्रू एन एग्रीमेंट, वेयर द चार्ज इज मॉडिफाइड बाय वेरिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्जिस्टिंग चार्ज। अगर एग्जिस्टिंग चार्ज के टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई वेरिएशन आ जाए, चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी और बैंक में डिसाइड हुआ था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर कोई चेंजेस आ जाए, अदर देन बैंक रेट, बैंक के रेट्स में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो न्यूज़पेपर में प्रिंट हो जाते हैं, तो उसको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बैंक रेट के अलावा अगर कोई चेंज इन रेट हुआ है, तो ऐसे केस के अंदर आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? आरओसी के पास चार्ज को रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर रीपेमेंट स्केड्यूल में कोई चेंजेस हुए हैं, लोन के रीपेमेंट स्केड्यूल में अगर कोई चेंजेस हुए हैं, तो इसे भी मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, इसे भी आपको चार्ज वापस से रजिस्टर करना पड़ेगा मॉडिफिकेशन को आरओसी के पास। वेयर देयर इज पार्शियल रिलीज ऑफ चार्ज ऑन द पर्टिकुलर एसेट, लेट्स से आपने दो एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट किया था, पर एक एसेट का रिलीज कर दिया है, एक एसेट को चार्ज से रिलीज कर दिया है, तो अगर पार्शियल रिलीज हो गया है पर्टिकुलर एसेट, पार्शियल रिलीज ऑफ द चार्ज ऑन द पर्टिकुलर एसेट, पर्टिकुलर एसेट्स पे चार्ज क्रिएटेड थे, अगर मान लो कोई एसेट को रिलीज कर दिया गया है, अब उस पे चार्ज नहीं है, पार्शियल रिलीज ऑफ द चार्ज ऑन अ पर्टिकुलर एसेट, ऐसे केस में ये मॉडिफिकेशन माना जाता है। और इन मॉडिफिकेशन को आपको फिर से, जैसे आप सेक्शन 77 में चार्ज को रजिस्टर करते हो, सेम तरीके से आपको मॉडिफिकेशन भी आरओसी के पास रजिस्टर करना पड़ेगा। और आरओसी आपको क्या इशू करेगा? आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज आरओसी आपको इशू करेगा CHG 3 के अंदर, CHG 3 के अंदर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज इशू किया जाएगा। चलिए एवरीबॉडी, सारे बच्चे समझ गए, वेरी गुड। तो ये तो आपने मॉडिफिकेशन पढ़ा,
मॉडिफिकेशन मतलब चेंज इन द टर्म्स एंड कंडीशंस बिटवीन द कंपनी एंड द चार्ज होल्डर. मॉडिफिकेशन दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज एंड दैट हैज टू बी रजिस्टर्ड इन द सेम मैनर एज द चार्ज इज रजिस्टर्ड लाइक सेक्शन 77. सेम तरीके से मॉडिफिकेशन को आरओसी के पास रजिस्टर करना है. मॉडिफिकेशन के कुछ एग्जाम्पल हो गए चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, चेंज इन द टर्म्स एंड कंडीशन, चेंज ऑफ द रीपेमेंट शेड्यूल या पार्शियल रिलीज ऑफ द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज. ठीक है, ओके, समझे, ओके, आगे बढ़ते हैं, इधर आएंगे. ये तो आपने मॉडिफिकेशन पढ़ लिया. सेक्शन 79 में दो चीजें हैं, ए और बी, मॉडिफिकेशन इन द टर्म्स एंड कंडीशन. एक तो आपने ये पढ़ ली. एक्विजिशन बाय अ कंपनी ऑफ एनी प्रॉपर्टी दैट इज सब्जेक्ट टू चार्ज, मतलब अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हो जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है. कहता है इन केस ऑफ अ प्रॉपर्टी वेयर चार्ज इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इफ इट इज सोल्ड विद द परमिशन ऑफ द होल्डर ऑफ द चार्ज. लेट से एक एग्जांपल है, कंपनी एक्स ने बैंक से लोन ले रखा है और अपने किसी बिल्डिंग के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रखा है. ठीक है, अब ये बिल्डिंग जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर रखा है, ये बिल्डिंग अगर आप किसी दूसरी कंपनी को बेच दो, वाई को बेच दो, बैंक से पूछ के, क्या एक्स जो कंपनी है बैंक से पूछकर इस बिल्डिंग को वाई को बेच सकती है? क्या बेच सकती है? हालांकि इस बिल्डिंग के ऊपर चार्ज क्रिएटेड है, पर अगर बैंक सहमति देता है तो बैंक से पूछकर एक्स इस बिल्डिंग को वाई को बेच देता है. तो कहता है अगर वाई ने कोई ऐसी प्रॉपर्टी को परचेज किया है जिसके ऊपर चार्ज ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो कहता है इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी अक्वायरिंग इट, मतलब वाई, जिस कंपनी ने इसे अक्वायर किया है उसको फिर से चार्ज रजिस्टर करना पड़ेगा इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन 77. अब वाई की हो गई क्या ये प्रॉपर्टी? हाँ, तो वाई को फिर से इस चार्ज को रजिस्टर करना पड़ेगा खुद के नाम से, और जो पुराना वाला चार्ज है एक्स के नाम का जो चार्ज है वो वेकेट हो जाएगा क्योंकि अब ये प्रॉपर्टी एक्स की है नहीं. तो पुराना वाला जो चार्ज है जो आरओसी के पास रजिस्टर्ड है वो चार्ज वेकेट हो जाएगा और उसकी जगह पे नया चार्ज क्रिएट हो जाएगा. जिस कंपनी ने इस प्रॉपर्टी को अक्वायर किया है उस कंपनी के नाम से ये चार्ज क्रिएट होगा. सारे बच्चे समझे क्या? एवरीबडी समझ में आ गया? आपने सेक्शन 79 में दो चीजें पढ़ी, एक तो मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज कि अगर चार्ज में मॉडिफिकेशन होता है तो फिर से आरओसी के पास रजिस्टर कराया जाता है और आरओसी आपको CHG 3 इशू करता है, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज. अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी अक्वायर कर रहे हो जिसपे ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है तो फिर आपको ये आपकी ड्यूटी है कि आपको फिर से जिस कंपनी ने इस एसेट को अक्वायर किया है उस कंपनी को फिर से क्या करना पड़ेगा? आरओसी के पास चार्ज को रजिस्टर करना पड़ेगा. पुराना वाला चार्ज वेकेट हो जाएगा, उसकी जगह पे न्यू चार्ज रजिस्टर हो जाएगा. समझा बेटा? आर वी क्लियर हियर? आर वी क्लियर हियर बच्चों? क्या बच्चे क्लियर हैं इस चीज को लेके? बच्चों कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए. ओके, वेरी वेरी गुड. वेरी वेरी नाइस. कोई बच्चा कह रहा है मैडम रिकॉर्डेड है. बेटा रिकॉर्डेड नहीं, लाइव है बेटा. रिकॉर्डेड लग रहा है क्या? रिकॉर्डेड लग रहा है क्या? काहे का रिकॉर्डेड? बात तो कर रही हूं मैं तुम लोग से, कैसे रिकॉर्डेड होगा? ला 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 ला. मॉडिफिकेशन में एक और एग्जांपल होता है सीडिंग ऑफ पेरिपेसू चार्ज. मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पता नहीं होता है, पर अगर आपको याद रखना है तो इसे भी याद रखेंगे. अब मैं इसे एकदम बुलेट रिविजन में समझा तो नहीं पाऊंगी, बहुत बार समझा चुकी हूँ. सीडिंग ऑफ पेरिपेसू चार्ज, सारे बच्चे इसको भी याद रखना. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, दैट इज सीडिंग. क्लास में समझाया था आप लोगों को सीडिंग ऑफ पेरिपेसू चार्ज. सीडिंग ऑफ पेरिपेसू चार्ज इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज. अब मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि यार मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं, बट हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है इसलिए इसे एक्सप्लेन तो नहीं किया जाएगा. पर आई होप कि आपने अगर मेरे पुराने कोई भी लेक्चर देखे हैं तो मैं उसमें जरूर एक्सप्लेन करती हूँ इस चीज को, तो होगा. चलिए, ओके बेटा, तो ये हो गया मॉडिफिकेशन.
सेक्शन 82, भैया सब पैसा वैसा चुका दिया है रे, मतलब कंपनी ने पूरा का पूरा पैसा बैंक को सूद समेत वापस दे दिया। कंपनी जब पूरा का पूरा पैसा सूद समेत बैंक को देती है, मतलब चार्ज क्या हो जाता है, सैटिस्फाई हो जाता है। चार्ज सैटिस्फाई होना मतलब कंपनी सूद समेत जितना भी पैसा लिया था वो बैंक को वापस दे दे, मतलब चार्ज सैटिस्फाई हो गया। तो भैया जब चार्ज क्रिएट किया था तो आपने आरओसी के पास रजिस्टर किया था क्या? जब आपने चार्ज को क्रिएट किया था तो आपने आरओसी के पास चार्ज रजिस्टर किया था अंडर सेक्शन 77। हाँ, तो अब जब चार्ज सेटिस्फाई हो गया तो फिर से आपको आरओसी को बताना पड़ेगा क्या? हाँ। तो कहता है इंटीमेशन ऑफ पेमेंट और सेटिस्फेक्शन इन फुल ऑफ चार्ज। अगर चार्ज सेटिस्फाई हो जाता है तो उसका इंटीमेशन आपको 30 डेज के अंदर अंदर देना पड़ता है किसको? आरओसी को। अगर आप 30 डेज के अंदर सेटिस्फेक्शन के बारे में नहीं बताते तो आरओसी आपको फर्दर एक्सटेंशन दे देता है 300 डेज का। आप फॉर्म क्या फाइल करते हो? CHG 4। कहता है कंपनी को सेटिस्फेक्शन के बारे में आरओसी को बताना पड़ेगा। अगर कितने दिन में? 30 डेज में। अगर आप 30 डेज में सेटिस्फेक्शन के बारे में नहीं बताते हो तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। कितने पीरियड का? 300 डेज का फर्दर आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। कौन आपको एक्सटेंशन दे देगा? आरओसी। सेटिस्फेक्शन के लिए आप आरओसी के पास कौन सा फॉर्म फाइल करते हो? CHG 4 फाइल करते हो। किसके पास? आरओसी के पास। आरओसी क्या करेगा? 14 डेज का शो कॉज नोटिस भेजेगा। किसको? चार्ज होल्डर को। मतलब आरओसी बोलेगा ये कंपनी आई है और बोल रही है कि पूरा पैसा चुकता कर दिए बैंक, शो मी द कॉज, मैं इस चार्ज सेटिस्फेक्शन की एंट्री को क्यों ना मारू, बैंक मेरे को कंफर्म कर दो सारा पैसा सूद समेत मिल गया है ना। तो रजिस्ट्रार क्या भेजेगा? बैंक को, चार्ज होल्डर को 14 डेज का शो कॉज नोटिस भेजेगा कि आप एक बार कंफर्म कर दीजिए क्या पूरा पैसा आपको मिल गया है, क्या सच में चार्ज सेटिस्फाई हो गया है। तो कहता है इफ नो कॉज इज शोन बाय चार्ज होल्डर, अगर बैंक बोलता है कि हाँ पूरा पैसा मिल गया है, कोई भी कॉज अगर बैंक ने नहीं बताया तो ऐसे केस के अंदर एंट्रिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन इन CHG 5। तो आपका जो रजिस्ट्रार है वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा, सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज CHG 5 के अंदर, सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज आरओसी इशू कर देगा CHG 5 के अंदर। और जो इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो कंपनी और बैंक के बीच के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिस बेसिस पर आपने किसी एसेट पे चार्ज क्रिएट किया था, कहता है वो इंस्ट्रूमेंट को प्रिजर्व किया जाता है 8 सालों तक फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन। जब आपने पूरा लोन चुकता कर दिया है, उस सेटिस्फेक्शन के कम से कम 8 सालों तक आप इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी को, इंस्ट्रूमेंट की कॉपी को संभाल के रखते हैं। कहता है अगर कोई कॉज दिखा दे चार्ज होल्डर, बैंक बोल दे अरे पूरा पैसा नहीं आया, सेटिस्फेक्शन की एंट्री मत मारो, तो ऐसे केस में आरओसी एंट्री नहीं मारेगा। ओके, और कंपनी को इन्फॉर्म कर देगा कि बैंक ने कॉज दिखाया है। सारे बच्चे समझ गए? तो कहता है सिंपल सी बात है, चार्ज अगर रजिस्टर करते हो तो उसके सेटिस्फेक्शन के बारे में भी 30 डेज में आरओसी को बताओ। 30 डेज में नहीं बताते तो आरओसी आपको 300 डेज का एक्सटेंशन देता है। आप आरओसी के पास फाइल करते हो CHG 4। जैसे ही आप आरओसी के पास CHG 4 फाइल करते हो, आरओसी शो कॉज नोटिस भेजता है किसको? चार्ज होल्डर को, कि वाई द सेटिस्फेक्शन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। अगर कोई कॉज नहीं दिखाया तो चार्ज रजिस्टर, चार्ज की सेटिस्फेक्शन की एंट्री डाल देता है आरओसी और एक सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फेक्शन दे देता है CHG 5 में कंपनी को। ठीक है, सिंपल है, दैट इज सेक्शन 82, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। वेरी वेरी गुड। अभी क्या कहता है, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड रिलीज इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन बाय कंपनी। अगर मान लो कंपनी इन्फॉर्म करना भूल जाए, चार्ज तो क्रिएटेड है पर कंपनी अगर इन्फॉर्म करना भूल जाती है, तो अगर कंपनी आरओसी को सेटिस्फेक्शन के बारे में बताना भूल जाए, ये जानबूझ के ना बताए, कोई भी केस हो सकता है। मान लो अगर कंपनी ने आरओसी के पास CHG 4 जो कि सेटिस्फेक्शन का फॉर्म है वो फाइल नहीं किया, और अगर आरओसी को अपने आप से पता चल गया कि भाई पूरा पैसा चुका चुकी है कंपनी, चार्ज सेटिस्फाई हो गया है, तो आरओसी खुद से भी एंट्री मार सकता है सेटिस्फेक्शन की, बिना किसी के अप्लाई किए, बिना किसी के फाइल किए। सेक्शन 83 ऑफ द एक्ट 2013 एम्पावर्स दैट।
रजिस्ट्रार एंट्री मार सकता है विद रिस्पेक्ट टू सेटिस्फेक्शन. रजिस्ट्रार सेटिस्फेक्शन की एंट्री मार सकता है और चार्ज को रिलीज कर सकता है इवन इफ नो इंटीमेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द कंपनी. इवन इफ कंपनी ने कोई फॉर्म फाइल नहीं किया, इवन इफ कंपनी ने कुछ भी नहीं बताया है चार्ज को लेकर, चार्ज सेटिस्फेक्शन को लेकर, तो रजिस्ट्रार अपने आप से भी चार्ज को रिलीज कर सकता है और सेटिस्फेक्शन की एंट्री मार सकता है. इफ एविडेंस इज शोन टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ रजिस्ट्रार, अगर रजिस्ट्रार को ये सबूत मिलते हैं कि पूरा का पूरा डेट चुका दिया गया है, पे कर दिया गया है, अंडरटेकिंग हैज बीन रिलीज्ड, जिस भी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया था वो प्रॉपर्टी रिलीज कर दी गई है अब चार्ज से, या वो प्रॉपर्टी सीजेस टू बी द फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी, या फिर कंपनी ने वो प्रॉपर्टी बेच दी है, वो कंपनी की प्रॉपर्टी है ही नहीं, सीज्ड टू फॉर्म द पार्ट ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी, ऐसे केस के अंदर अगर आरओसी को पता चल जाता है, अगर आरओसी को सफिशियंट एविडेंस मिल जाते हैं कि डेट हैज बीन पेड इन फुल, अगर आरओसी को ये एविडेंस मिल जाता है, क्या एविडेंस मिल जाता है कि पूरा का पूरा डेट कंपनी ने चुका दिया है, पहली चीज डेट हैज बीन पेड इन फुल, वो प्रॉपर्टी रिलीज हो गई है, अंडरटेकिंग हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम द चार्ज, अब वो उस पे चार्ज क्रिएटेड नहीं है, चार्ज से रिलीज हो गई है, अगर उसको सबूत मिल गया आरओसी को, या फिर अगर वो कंपनी ने वो प्रॉपर्टी बेच दी तो प्रॉपर्टी सीजेस टू बी फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी. तो ऐसे केस में अगर आरओसी के पास पूरा सबूत मिल जाता है कि भाई ये चार्ज तो सेटिस्फाई हो गया है, कंपनी ने पूरा पैसा चुका दिया है, अगर ऐसे करके आरओसी को एविडेंस मिल जाता है तो आरओसी खुद सेटिस्फेक्शन की एंट्री मार देता है. इवन इफ कहता है हालांकि कोई इंटीमेशन आपको कंपनी से नहीं मिला, ओहो कोई इंटीमेशन आपको कंपनी से नहीं मिला, नो इंटीमेशन हैज बीन रिसीव्ड टू हिम बाय द कंपनी, कंपनी से कोई इंटीमेशन नहीं मिला, पर ये पावर आरओसी के पास है, इवन इफ नो इंटीमेशन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी, आरओसी कैन स्टिल पास द एंट्री फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ द चार्ज. ठीक है, और रजिस्ट्रार क्या करेगा, इफेक्टेड पार्टीज को, मतलब कंपनी और चार्ज होल्डर दोनों को 30 डेज में बता देगा फ्रॉम मेकिंग द एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ चार्ज, और एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा CHG 5, जो कि क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ द फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, CHG 5 इशू कर दिया जाएगा, रजिस्ट्रार एंट्री मारने के 30 डेज में दोनों पार्टीज को बता देगा, CHG 5 इशू कर देगा, रजिस्ट्रार के पास पावर है, हालांकि कंपनी ने सेटिस्फेक्शन के लिए कोई फॉर्म फाइल नहीं किया है, नो इंटीमेशन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी, स्टिल आरओसी के पास पावर है कि वो सेटिस्फेक्शन की एंट्री मार सकता है. ठीक है, ओके, कोई बात नहीं प्रणव यार, मुंबई का क्या है, अमची मुंबई आएंगे वापस, टेंशन क्यों लेता है रे. चलिए ओके आइएगा, अब तो ये चैप्टर के एंड एंड में हम पहुंच गए. इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर, सेक्शन 84 कहता है इफ एनी पर्सन ऑब्टेन्स एन ऑर्डर, अगर किसी भी आदमी को अपॉइंट किया गया है एज अ रिसीवर, मान लो मैंने बैंक से लोन लिया था पर मैं बैंक का पैसा चुकता नहीं कर पा रही, तो बैंक ने किसी रिसीवर को अपॉइंट कर दिया कि इस पर्टिकुलर एसेट को बेचो, तो कहता है अगर कोई रिसीवर अपॉइंट हुआ है, या मान लो कोई आदमी अपॉइंट हुआ है टू मैनेज दी प्रॉपर्टी, बैंक ने कोई आदमी को अपॉइंट किया इस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, कहता है या तो कोई रिसीवर अपॉइंट हुआ है या अगर कोई मैनेजर भी अपॉइंट हुआ है ना, तो ऐसे आदमी को, रिसीवर या मैनेजर को, बताना पड़ेगा कंपनी को भी, रजिस्ट्रार को भी, फॉर्म CHG 6 में विद इन 30 डेज फ्रॉम द अपॉइंटमेंट. अपॉइंट होने के 30 डेज के अंदर अंदर जो आदमी एज अ रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट हुआ है, उसे कंपनी और आरओसी को CHG 6 के अंदर अंदर बताना पड़ेगा अपने अपॉइंटमेंट के बारे में. ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेसेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, अब जब वो उसका सेसेशन हो जाएगा तो भी उसे बताना पड़ेगा कंपनी और रजिस्ट्रार को, सेम CHG 6 में, जब उसका अपॉइंटमेंट सीज हो जाएगा, जब वो अपॉइंट होगा तो भी वो बताएगा CHG 6 में, अब उसका जब सेसेशन हो गया तो भी वो बताएगा कंपनी और रजिस्ट्रार को CHG 6 में. ठीक है, हाँ जी, रिसीवर अपॉइंट किया जाता है, हाँ जब कंपनी पूरा पैसा नहीं दे रही तो बैंक किसको अपॉइंट करेगी, रिसीवर को, और बोलेगी चल इसकी प्रॉपर्टी बेच, पैसा ला. ठीक है, सारे बच्चे समझ गए, और जो भी रिसीवर अपॉइंट होगा, जो भी मैनेजर अपॉइंट होगा, उसे
कंपनी और आरओसी को सीएचजी 6 में बताना पड़ेगा अपॉइंटमेंट के 30 डेज में, और सेसेशन पे भी बताना पड़ेगा। ठीक है, हां जी समझा गया बच्चों। ये तो पनिशमेंट का सेक्शन है। अभी और तो क्या है यार, एक रजिस्टर ऑफ चार्ज देख लो, सेक्शन 85 सिंपल है। हर कंपनी को रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करना चाहिए, कंपनी को भी रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करना चाहिए, फॉर्म सीएचजी 7 के अंदर एट रजिस्टर्ड ऑफिस रखना चाहिए। हर कंपनी को रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करना चाहिए और फॉर्म नंबर सीएचजी 7 में और अपने आरओ पे रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना चाहिए। जो भी चार्ज आपने क्रिएट किया, मॉडिफाई किया, सेटिस्फैक्शन किया, प्रॉपर्टीज अक्वायर्ड सब्जेक्ट टू चार्ज, आपको ये सारे डिटेल्स रजिस्टर ऑफ चार्ज में मेंटेन करने हैं कि आपने अपने किस एसेट पे चार्ज क्रिएट किया, कौन सा चार्ज सेटिस्फाई हो गया, कौन से चार्ज में मॉडिफिकेशन आया है। तो ये सारे डिटेल्स आपको अपने रजिस्टर ऑफ चार्ज में, जो कि आप सीएचजी 7 में बनाओगे, आरओ पे रखोगे, कंपनी मेंटेन करेगी। रजिस्टर में जो भी एंट्री आएगी उसे ऑथेंटिकेट कौन करेगा, डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी जो है वो ऑथेंटिकेट करेगा। ये जो रजिस्टर है वो परमानेंटली मेंटेन करेगी कंपनी, रजिस्टर ऑफ चार्ज को परमानेंटली कंपनी मेंटेन करती है। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज को, इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग चार्ज मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट आपका सामने वाले बैंक के साथ हुआ है, उसको आप 8 ईयर्स तक रखते हो फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ओके, सिंपल बात है। एवरी कंपनी को रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन करना है सीएचजी 7 में, आरओ पे रखना है। इस रजिस्टर में आप सारी डिटेल्स डालते हो कि किस एसेट पे चार्ज क्रिएट हुआ, कौन सा चार्ज मॉडिफाई हुआ, अगर चार्ज सेटिस्फाई हो गया तो, सब डालते हो। एंड रजिस्टर के अंदर जो एंट्री है वो डायरेक्टर या सेक्रेटरी ऑथराइज करता है। आप इस रजिस्टर को परमानेंटली अपने पास रखते हैं और बस सिंपल, रजिस्टर ऑफ चार्ज को परमानेंटली रखते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट जो आपने बैंक के साथ किया है, उसे 8 ईयर्स तक रखा जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। मैम आप सीए फाउंडेशन जून 2023 को नहीं पढ़ाई, 2023 बेटा पढ़ा चुके बेटा। मैम आप सीए फाउंडेशन जून नहीं डिसेंबर ऑलरेडी बैक चल रहा है, यूट्यूब देखता नहीं है लगता तू है। ऑलरेडी मैंने पूरा अनपेड सेलर, पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के यूनिट 3 यूनिट 4 इतने डिटेल में इस चैनल में कराए हैं। हैं शेख क्या कर रहे हो शेख, हैं चलिए एनी विच वेज बेटा, ओके समझ गए हो। चलिए 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 सेक्शन 87 मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है क्योंकि इसमें एक पॉइंट मिसिंग है, इसलिए अभी नहीं करा रही। पढ़ लेना बहुत इजी है, ये समरी से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आपको नोट्स तो मैं शेयर करती हूँ, पढ़ लेना। सेक्शन 87 छोड़कर मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा 4 जगह चैप्टर ब्यूटीफुल तरीके से, मैं भी शॉक्ड हूँ आज, बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया है पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर एक सेक्शन छोड़ के कंप्लीट हो गया। वाओ, ऑलराइट एवरीबॉडी, तो चार्ज का चैप्टर यहाँ पे होते हैं छुट्टी और आपका चैप्टर हमने बढ़िया तरीके से कर लिया रिवाइज। पर आप खुद बैठ के एक बार खुद भी कर लोगे रिवाइज, ताकि आपके मन में हो जाए ये कॉन्सेप्ट रिवाइज और आपके मन में कॉन्सेप्ट एकदम से बैठ जाए। ऑलराइट बेटा जी, आई होप आपको बढ़िया लगा आज, तो एकदम सुपर बुलेट रिविजन हो गया, सुपर डुपर बुलेट रिविजन हो गया। तो एक बार खुद से भी पढ़ लेना ताकि सारी चीजें याद रहेगी। ठीक है, चलिए बेटा जी, ओके, हैव अ गुड डे, पढ़ते रहिए। और क्या, अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो क्या कर रहे हो पीछे हो लाइफ में, फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, हमारी अल्टीमेट सीए की टीम आपके लिए लगी हुई है मेहनत करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये मेहनत हमारी पसंद आए, आई होप हम आपको किसी ना किसी तरीके से मदद कर सके, आपको हेल्प कर सके। ओके, अब मैं आपको एक और चीज बताने वाली हूँ बेटा। कुछ दिन अब मेरा फेस टू फेस मैराथन चलने वाला है दिल्ली एंड अहमदाबाद में। तो अगर आप दिल्ली अहमदाबाद में हैं तो आप आ सकते हैं फेस टू फेस मैराथन में। बट क्योंकि अभी मेरा कुछ दिन, 3 अक्टूबर तक फेस टू फेस मैराथन चलेगा अहमदाबाद और दिल्ली में, तो 3 अक्टूबर तक मैं ऑनलाइन क्लास आपका नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि फेस टू फेस मैराथन चलेगा 3 अक्टूबर तक। तो मैं आप लोगों के ऑनलाइन रिविजन नहीं ले पाऊंगी किस चैप्टर, मतलब अभी इन दिनों में, उसके बाद मैं आपके ऑनलाइन रिविजन लूंगी। ठीक है, चलिए।
तो अभी कुछ दिन अपनी क्लास नहीं रहेगी, तो उसके बाद आपसे क्लास ली जाएगी, आपकी क्लास ली जाएगी, ठीक है, 3 अक्टूबर के बाद। ट्राई करते हैं, जतिन अगर होगा तो मैं ट्राई कर लूंगी, ठीक है, चलिएगा बेटा जी, ऑल राइट, हैव अ गुड डे, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा और बहुत ही मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइएगा। टिल देन हैव अ गुड डे, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं कुछ दिनों बाद, पर अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई को डबल कर लीजिएगा, पूरी मेहनत के साथ पढ़िएगा, क्योंकि आप बिल्कुल पढ़कर क्लियर कर सकते हैं, मोटिवेटेड रहना है बेटा जी, ओके बेटा, बाय बाय बेटा, सी यू सी यू।